संगत जी आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और गुरु जी की महिमा का गुणगान करने के लिए इनवाइट करते हैं रवि ग्रोवर अंकल को। जय गुरु जी। सबसे पहले मैं गुरु जी का सत्संग करने से पहले ये बताऊंगा कि गुरु जी इज द ओनली भगवान जो जिंदगी दे सकते हैं, और जो भगवान जिंदगी दे सकते हैं वो सबको देख सकते हैं। मकान दुकान गाड़ियां तो हमारे पैकेज में ही है। मैं गुरु जी के शरण में गया था 2006 में। सबसे पहले मैं आपको ये भी बात बताऊंगा, व्हाट आई एम गोइंग टू शेयर टुडे इज प्योरली मेरे एक्सपीरियंस विद गुरु जी। इट इज नॉट अ मैसेज एनीथिंग फॉर एनीवन टू बिलीव और नॉट, बट ये सिर्फ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मुझे गुरु जी ने दिया आज तक। मैं गुरु जी के पास 2006 में गया था। मेरे को बहुत ही ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम थी और मेरा बिजनेस बिल्कुल खत्म हो गया था। मेरी सिस्टर और मेरे जीजा जी गुरु जी के पास जाते थे। वो मुझे हमेशा रोज बोलते थे कि तू चल, ऐसे एम्पायर स्टेट मंदिर है गुरु जी का, जो सब लोग जानते हैं, एक छोटा मंदिर जिसको हम बोलते हैं, वहां पर गुरु जी बैठते हैं, गुरु जी अंतर्यामी है, गुरु जी सबको जानते हैं। मैं कहता था मैं ऐसी किसी बाबा बाबा के पास नहीं जाऊंगा, बट मेरा टाइम इतना माड़ा था, या बोल लीजिए अच्छा था कि मुझे गुरु जी ने बुलाना ही था। हमेशा ये भी हम कहते हैं कि जब आपका मारा टाइम आता है तो गुरुजी आपको अपने पास ही बुला लेते हैं। सो मेरा वो मारा टाइम था और गुरुजी से मिलना मेरा एक मेरी अच्छी किस्मत का वो था। गुरुजी के पास में गया, मेरे को दो लोग पकड़ के ले गए लेफ्ट राइट से। मैं चल ही नहीं पा रहा था उस दिन, आई डोंट नो विच डे वाज दिस, और 2006 की बात है, अराउंड अगस्त सितंबर की। तो मैं गया गुरुजी के पास, तो मैं गया लाइन में लगा। मेरे को सबने बोला कि गुरुजी सब कुछ जानते हैं, गुरु से बात करने की जरूरत नहीं है, गुरुजी को अगर लगता है तुमसे बात करने के लिए तो गुरुजी बात करते हैं। मैंने बोला अच्छा ठीक है, जो भी है। मैं लाइन में लगा कि मेरा कोई ऐसा कोई नहीं था, कि मैं तो फंसा ही हुआ था चारों तरफ से, हेल्थ से भी, वेल्थ से भी, बिजनेस में भी, सब कुछ ही कुछ नहीं था मेरे पास। मैं गुरुजी की लाइन में लगा, मैं देखा गुरुजी बैठे हैं सामने, मैं लाइन में लगा, लोग बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे वहां पर, तो बड़े मिनिस्टर बैठे हुए थे, सिद्धू बैठा हुआ था, बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे। मैं जाके लाइन में लगा, मैं जो मत्था टेका गुरु जी को, गुरु जी कहते तेनू की प्रॉब्लम है। मैंने बोला गुरु जी मेरा सब कुछ खत्म हो चुका है, मेरी लाइफ इज टोटली हेल। गुरु जी ने बोला कोई बात नहीं, अगली बार आइयो लोटा लेके आइयो। मैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट संगत जो जो भी आया, मैं दोबारा गया वहां पर, मैं लाइन में लगा। मेरे को लगा कि अब गुरु जी को कौन सा याद होगा कि कौन आया था, इतने लोग इतनी भीड़ है यहाँ पर। तो मैं फिर भी लाइन में लगा, मैं जो गुरु फिर दोबारा लाइन में लग के मेरे गुरु जी को मत्था टेका। गुरु जी ने बोला तेरा नाम क्या है? मैंने कहा गुरुजी मेरा नाम रवि ग्रोवर है। गुरुजी ने बोला तेरा डेट ऑफ बर्थ क्या है? गुरुजी ने मेरा डेट ऑफ पूछा, मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ ही गलत बताया, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं थी। गुरुजी ने बोला कि एक काम कर, ये लोटा लोटे के अंदर यूज करने के लिए, कि संगत को बोला कि लोटा आधे से नहाने के लिए यूज करिए और आधा पीने के लिए यूज करिए, जो कि मैं आज तक यूज कर रहा हूं, इस बात को 14-15 साल हो गया। तो मैंने लोटा लिया, हमारे वहां से ब्लेस कराया गुरुजी से। बस आप बोले कि वो मेरी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। प्रॉब्लम्स तो अभी भी हैं, ऐसा नहीं है कि लाइफ इज आज की डेट में नॉर्मल जिंदगी, इज ऑल्सो अ बेस्ट जिंदगी। सो अब नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं गुरु जी की शरण में। मैं उस लोटे को लिया, वापस आया, मैंने अपना ब्रेन का MRI कराया, तो डॉक्टर ने बोला जा बाहर घूमा, तेनू कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दैट वॉज द स्टार्टिंग ऑफ माई जर्नी विद गुरु जी। मेरे बिजनेस में जो मुझे इशूज थे, जो प्रॉब्लम्स थी, दैट इंस्टेड ऑफ बिकमिंग नेगेटिव एंड नेगेटिव, दोज प्रॉब्लम्स बिकम वेरी पॉजिटिव फॉर मी। एंड वो दिन है और आज का दिन है, 15 साल हो गए इस बात को, वी हैव नेवर लुक्ड बैक। गुरुजी उसके बाद हम आते रहे, मैं गुरुजी के मंदिर भी जाता था, साईं बाबा के मंदिर भी जाता था, बजरंगबली के मंदिर भी जाता था, सब जगह जाता था, गुरुजी के जाना शुरू किया था। 2007 में गुरुजी ने चोला छोड़ दिया। अब हमें तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम कि गुरुजी चले गए, अब तो हम साईं बाबा के पास भी मैं इतने सालों से जा रहा हूं, जो कि मैं नहीं, अब कहां जाऊं, गुरुजी तो अब है नहीं। और बजरंगबली के मंदिर भी मैं रोज जाता था, अब वो भी, अब मेरे को भी नहीं लेंगे वो, क्योंकि गुरुजी इज आल्सो नॉट देयर बिकॉज़ आई स्टार्टेड गोइंग टू गुरुजी। सो दैट इज, फिर एक ऐसे सत्संग में हमें एक मैसेज मिला कि गुरुजी कहीं नहीं गए, और गुरुजी बोलते थे एक अकाउंट खोलो, कितने भी जाओ एक जगह जाओ, और आप बिलीव करेगा। आज का दिन है और वो दिन है, 2007 की बात है। ना हम कोई मंदिर जाते हैं, जरूर ऐसा नहीं है कि हम कोई भगवान से नाराज है या हम नहीं है, बट हमें हमारे गुरुजी ने सब कुछ दिया हुआ है, हम जाते हैं, सब भगवानों की रिस्पेक्ट है। बट आई एम वर्स्ट ऑफ द लॉट, जो कि जिनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी जो गुरुजी ने ठीक करी, तो अब हम सिर्फ गुरुजी को ही मानते हैं। दैट इज, शायद मेरे बच्चों और मेरी फैमिली में जो मेरे छोटे बच्चे हैं, उनको तो शायद किसी और भगवान के बारे में भी नहीं पता, सिर्फ उनको मंदिर का मतलब ही पता होता है कि गुरुजी का मंदिर। सो ऐसे जिंदगी चलती रही, आगे बढ़ते रहे। फिर गुरुजी का मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूं अपना। अराउंड 2010 की बात है,
गुरु जी कहते हैं कि एक बचाने वास्ते, मैंने लाइफ ऑफ डिविनिटी में पढ़ा हुआ है कि एक बचाने वास्ते मैंने 150 बचाने पड़ गए। मैं यहाँ से मेरा जब ये गुरु जी के समाधि के बाद की बात है, मैं एक बारी मेरी कोई मीटिंग थी अहमदाबाद के अंदर, तो हमारे घर में उसी दिन एक मेरी सिस्टर के यहाँ एक सत्संग प्लान हो गया गुरु जी का। बट मेरे को बहुत जरूरी, जिनके पास जाना था वो बात मानने को तैयार ही नहीं थे कि आपको आना ही पड़ेगा, मेरा कोई बिजनेस का था कि अहमदाबाद आना पड़ेगा। तो आप लग सा कोई बात नहीं, फिर हमने बोला सत्संग आप कंटिन्यू करिए, मैं गुरुजी के मैं अपना मीटिंग में चला जाता हूँ। मैंने फ्लाइट ली, सुबह 7 बजे की फ्लाइट थी, इतनी अर्ली मॉर्निंग। मैंने एयरपोर्ट में ऐसे ही बोला कि ना मुझे कोई पर्टिकुलर सीट चाहिए एयरक्राफ्ट में, तो उन्हें बोला नहीं इसमें तो अब सर। मैंने कहा सुबह सुबह कौन जाता है अहमदाबाद, तो जो वहां जो काउंटर बैठे थे दे सेड कि भैया पूरे 150 लोग हैं एयरक्राफ्ट में। मैंने कहा वेरी गुड, मैं हवाई जहाज में बैठा, हमें एक आदत है जब भी हम घर से निकलते हैं हम बोलते हैं गुरुजी साथ चलो, तो जैसे ही एयरक्राफ्ट में बैठे मैंने कहा गुरुजी चलो साथ चलें अहमदाबाद घूम के आए। इन माय ओन मन में मैंने ये बात करी। जैसे ही हवाई जहाज लैंड होने लगा, एयरपोर्ट में पहुंचने लगा, तो एक आप सब लोग जानते हैं जो गुरुजी के एक बॉडी में से एक फूलों की स्मेल आती, गुलाब के फूलों की स्मेल आती थी, तो मेरे को एकदम से मेरे को आया चलो गुरुजी अब तो लैंड हो रहे हैं, गुरुजी चलो अब अहमदाबाद घूमें। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे को एकदम से इतनी ज्यादा गुलाबों की स्मेल आई। मैंने कहा वाह, मैंने ऐसे मन में बोला वाह गुरुजी आप यहाँ भी चल रहे हो साथ, ऐसे बोला तो हमारा एयरक्राफ्ट एकदम से लैंड होने लगा। जो अबाउट टू टच द रनवे, जो उतर चुका ही था ऑलमोस्ट इन 1 or 2 seconds हवाई जहाज वापस उड़ गया। देयर वाज अनाउंसमेंट ऑफ इमरजेंसी इन द एयरक्राफ्ट बिकॉज दिस इज कि मेरा रनवे ही मुझे ब्लैकआउट हो गया। The pilot announced it took about 10-15 minutes to land again. तो गुरुजी कहते ना एक बचाने वाले 101 बचाने वास्ते मैंने 150 बचाने पड़ गए। तो that was the amount, that was the time when my family was having a satsang in their house and गुरुजी ने satsang तो plan किया हुआ था क्योंकि गुरुजी ने मेरी जिंदगी भी साथ में bless करनी थी। So this is one of the journey part of गुरुजी। एक बारी गुरुजी ने मुझे dream में बोला कि मेरे को ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा सबको कि गुरुजी बहुत ज्यादा ड्रीम में आते हैं, हम इसलिए गुरुजी ड्रीम में आते हैं हमारे कि गुरुजी को पता है इनकी प्रॉब्लम्स ज्यादा हैं, तो गुरुजी पल पल हमें समझाते हैं कैसे करना है चीजों को, कैसे चीज करना है। सो वी गो बाय हिज व्यू, दैट इज द ओनली, यही चीज मैं आपको बताऊंगा कि ये मत कोई भी ऐसा समझे कि गुरुजी हमारी ड्रीम में आते हैं तो उनके ड्रीम में नहीं आते हैं। अब शायद मेरे को ऐसे साल भर हो गया मेरे गुरुजी कभी कोई ड्रीम में नहीं आया, बट ऐसा नहीं है कि गुरुजी हमारे साथ नहीं है। इसका मतलब है कि औरों की जरूरत ज्यादा है, हमारी थोड़ी सी कम है, तो गुरुजी वहां फोकस करते हैं जहां जरूरत ज्यादा होती है। अब ऐसे गुरुजी ने एक बार मुझे ड्रीम में दिखाया और मुझे बताया कि मुझे 25 शौले बांटनी है, और गुरुजी ने मैंने गुरुजी को बताया ड्रीम में कि गुरुजी, और मैंने देखा कि संगत एम्पायर स्टेट में पूरी संगत आई हुई है। गुरुजी ने मेरे को एक एक संगत दिखाई जिन जिन को वो शॉल्स देनी है। गुरुजी ने ये भी बताया कि किससे शॉल खरीदनी है और कितने की खरीदनी है। ही इज अ मुस्लिम गाय इन माय इन-लॉज फैमिली हु सेल्स दैट दिस शॉल्स। गुरुजी ने मुझे वो भी बताया कि शॉल उससे खरीदनी है, एंड ही वाज अ वेरी गुड गाय। और आप ये भी बोलो कि चाहे गुरुजी का, गुरुजी हर जगह ही और सबको ब्लेस करने के लिए करते हैं, आई द शॉल्स आर वेरी एक्सपेंसिव बट आई हैड टू टेक 26 शॉल्स। मेरे को 26 शॉले खरीदनी थी और उसी प्राइस में ही खरीदनी थी जो गुरुजी ने मेरे को बताया। सो आई रिक्वेस्टेड दैट पर्सन कि भैया तेरे को चार शॉले तो हमें बहुत अच्छी क्वालिटी की चाहिए लेकिन पैसे तेरे को इतने ही मिलेंगे। ये गुरुजी ने मुझे नहीं पता कि क्या हमारे कर्म काटने थे, क्या हमारी गलतियों पे पर्दे डालने थे, शॉले डालनी थी, तो गुरुजी ने ऐसे हमें ब्लेस किया। मैं आपको बताऊं कि लाइफ वॉज जैसे मेरी लाइफ का मैं आपको बताऊंगी, वो जैसे एक पजल होती है बच्चों की, माई लाइफ वॉज टोटली पजल। ना जिंदगी थी, ना फैमिली थी, ना बच्चे थे, ना कुछ था, सब कुछ एक गुरु जी का दिया हुआ है ए से लेके जेड तक। और हमें तो ये पता है कि वो जो मासूम अंकल गाना गाते हैं ना, करते हो तुम मेरा नाम हो रहा है, तो हम वही है कि हमें गुरुजी की ब्लेसिंग से वही लोग हैं कि करते तो गुरुजी हैं और नाम हमारा आगे आ जाता है। दैट इज द ओनली थिंग। माय फादर इवन गॉट, मैं आपको कुछ समय पुराने की बात बताऊंगा कि माय फादर गॉट वेरी वेरी मच अनवेल, इट वॉज बिकॉज आई वॉज सम ट्रेजेडी इन द फैमिली। आप बिलीव नहीं करेंगे गुरुजी ने मेरे को कहां से कहां कुछ भी करके, नॉन संगत डेज कुछ भी आप मान ले, चाहे वो गौरव अंकल के थ्रू, चाहे कोई भी था, ही टोल्ड मी टू विजिट द मंदिर एंड रोज जाके वहां लंगर प्रसाद खाके ही बिकेम टोटली एंड टोटली फाइन। सो जो लोग भी, अब तो मंदिर इज क्लोज फॉर सम टाइम, आई होप इट इज ओपनिंग वेरी सून, आई डोंट नो, आई एम जस्ट सेइंग लाइक दैट। तो गुरु जी का जो लंगर का प्रसाद होता है दैट इज नॉट एट ऑल ऑर्डिनरी, बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं है। जहां जहां अब तो सत्संग भी मैंने ख्याल से एक साल बाद
हमें तो अब याद भी नहीं रहता कि क्या सुनाना है. सो आई लिटिल बिट प्रिपेयर नोट्स, थोड़ा बहुत कि मैं ये आपको बताता रहूं. ऐसे गुरुजी ने मेरी हेल्थ और मेरी जिंदगी कई बारी ब्लेस करी है. गुरुजी ने मेरी कई बारी मेरी नजरें उतारी हैं. गुरुजी ने मेरे शोल्डर जलाए हैं, मतलब ड्रीम्स के अंदर. गुरुजी ने मेरे से कितने दान करवाए हैं मुझे नहीं पता है. गुरुजी ने एक बारी मुझे बोला एक फलानी फलानी आंटी के पास जाना है, फलाने फलाने पैसे देने हैं. अब मैं कैसे पूछ लूंगा किसी से, मैं तो जानता भी नहीं उनको अच्छे तरीके से. यस, मंदिर में हम लोग मिलते रहते हैं, ऐसा नहीं है, सबको जय गुरु जी करते हैं. बट मेरे को किसी ने बोला और मैं फिर उन आंटी को फोन किया किसी से नंबर लेके. मैंने आंटी से आधा घंटा फोन पे बात करी, बट मैं ऐसे बिल्कुल नहीं पूछ सकता था आंटी की आपको कि कोई फाइनेंशियल ऐसा इशू है कि मैं आपको पैसे दूं. बट आप बिलीव करिएगा, थोड़ी देर कॉन्वर्सेशन के बाद आंटी जस्ट ब्रोक एंड टोल्ड मी कि मुझे इतने पैसे की जरूरत है. और इट वॉज द सेम अमाउंट वॉट गुरु जी टोल्ड मी इन ड्रीम टू उन आंटी को देने के लिए. सो गुरु जी कहते हैं मुझे नहीं पता क्या कल्याण है, क्या सब कुछ है. हम तो बस एज अ ह्यूमन बींग हम कहते हैं कि बस जैसा गुरु जी चलाएं वैसा ही गुरु जी के साथ चलते रहते हैं. मेरे को एक बारी बहुत ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम हुई और मेरे को एक था, मेरी 2013 की बात है, 2013 की बात है. मेरे को मेरे सारे मेडिकल टेस्ट होने थे. मैं मेरे अगले दिन एंजियोग्राफी होनी थी कार्डिक की, तो मैं गुरु जी के मंदिर मत्था टेकने गया. वहां मैंने लंगर खाया, लंगर खा के बाहर निकला तो एक अंकल मेरे पास आए, वरुण अंकल हैं, फैमिली दोस्त नोएडा वाले. ही कम्स अप टू मी, नेवर स्पोकन टू हिम बिफोर दैट, मैंने जिंदगी में उनसे कोई बात भी नहीं करी. वो मेरे पास आते हैं और मुझे बोलते हैं तू घबराता बहुत है, कुछ नहीं है, तेनु जा यहां से चला जा. आप बिलीव करेगा नेक्स्ट डे आई वेंट फॉर माई टेस्ट, सेम डॉक्टर ने मेरे एंजियोग्राफी कहा कि एक काम करो खड़े और यहां से बाहर निकल जाओ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो वही बात है, गुरु जी ने आर्टरीज क्लीन करी, क्या किया मुझे नहीं पता. उसके बाद मुझे दो मेडिसिन, एक थायराइड की मेडिसिन और एक मेरे को ब्लड प्रेशर की मेडिसिन लगी. गुरु जी ने मेरे को, मेरी सिस्टर को ड्रीम में दिखाया कि नो एक गोली लगेगी. अब मैं तो खा रहा था दो गोली, बट कोई प्रॉब्लम नहीं थी मेरे को. ऐसे मैं एक दो तीन महीने गोलियां खाता रहा. दो तीन महीने बाद मैंने अपना थायराइड टेस्ट कराया जो कि मेरे को एज अ रूटीन कराना था. आप बिलीव करेगा संजय जी, 2013 की बात है और 2021 है, मैंने आज तक थायराइड की गोली नहीं खाई और ना मुझे थायराइड है. सो गुरु जी ने जो कहते थे, गुरु जी कहते थे जो मैंने बोल दिया वो सत्य वचन. हम लोग फिर एज अ ह्यूमन बींग्स हैव ऑल, इवन आई एम लाइक दैट. ऐसा नहीं कि मैं ऐसा नहीं हूं, कि हमारे अंदर सब में इफ एंड बट्स. जब छोटी सी प्रॉब्लम आती है तो हम एकदम से हिल जाते हैं, गुरुजी बचाओ या गुरुजी करो. बट हम ये, मेरा ये मानना जरूर है चाहे कुछ भी हो जाए आई एम वेरी प्राउड अपने बारे में एक बात बोलने के लिए जरूर संगत जी, कि जब हमें एक बहुत प्राउड होता है कि चाहे हम मरे चाहे जिए, बट हमें ये पता है कि हम नाम सिर्फ गुरुजी का लेते हैं. मेरे को एक बारी आई टेल यू एक्सपीरियंस, मैं कहीं आउट ऑफ कंट्री अपने काम से गया था, ये बात है 2017-18 की. मैं कहीं अपने काम से आउट ऑफ कंट्री गया था, रात को मुझे ड्रीम में आया कि मैं जो है मेरे को आई एम टोटली डेड. और मैं अपने एक फैमिली डॉक्टर है हमारे यहाँ बत्रा हॉस्पिटल के, तो वहां पर उनके डेथ बेड, उनके बेड पे लेटा हुआ इमरजेंसी में और डॉक्टर ने बोला कि आई एम ऑलरेडी डेड. तो और मुझे हार्ट अटैक हुआ है और आई एम गॉन. और अंदर मेरी वाइफ और मेरी आंटी, मतलब मेरी वाइफ और मेरी सिस्टर दोनों अंदर हैं. वो कहते हैं आप भगवान को बुला लो, हमने कुछ नहीं कर सकते इनका. तो हम जय गुरु, मैं अपने मन में जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी जय गुरु जी कर ही जा रहा था, जय गुरु जी कर ही जा रहा था. और मेरी सिस्टर भी और मेरी वाइफ दोनों ही ड्रीम में जय गुरु जी कर ही जा रही हैं. बट आप बिलीव करिएगा एकदम से मेरी सांस वापिस आई एंड जब मैं उठा नींद से आई वॉज टोटली पंपिंग द सेम वे जैसे आदमी किसी को हार्ट अटैक होता है और वो बाहर. So, जय गुरु जी यही चीजें हैं. ये छोटे छोटे क्या कहेंगे, लाइफ ही नहीं थी, ना लाइफ थी, ना कोई फैमिली थी, ना कुछ था, सब कुछ ही गुरु जी की कृपा से ही सब कुछ है. पल पल हम उनको थैंक यू करता हूं. मैं जब भी जाता हूं मैं घर से बाहर गुरु जी को बोलता हूं गुरु जी अब साथ चलो. कोई भी काम होता है हमें, कोई है कोई बड़े से बड़ा कोई काम होता है हमें, कोई कभी किसी चीज का रिग्रेट नहीं होता, क्योंकि जो हमारे लिए गुरु जी ने प्लान कर रखा है अच्छा या बुरा वो हमारे लिए अच्छा ही है. एट शॉर्ट साइटेडनेस हम ये जरूर देखते हैं कि हमें ये नुकसान हो गया, हमें ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला या हमारे घर ये प्रॉब्लम आ गई. बट इन द एंड मैं आपको कम से कम बहुत सारे एग्जांपल्स दे सकता हूं जहां गुरुजी ने मेरे को चीजों से निकाला है, शॉर्ट टर्म लॉसेस के लिए लॉन्ग टर्म प्रॉफिट दिए हैं. प्रॉफिट नॉट इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी बट इन टर्म्स ऑफ लाइफ, इन टर्म्स ऑफ ब्लेसिंग्स,
इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी एज वेल। ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने मुझे कभी कोई कहीं हम फंसे हों और गुरुजी ने बाहर ना निकाला हो। और एक बारी मैं आपको बताता हूं कि हर सत्संग में हम ऐसा नहीं कि हर सत्संग में कई इन्विटेशन आते हैं, कहीं हम सत्संग में जा पाते हैं, कहीं नहीं जा पाते हैं, कहीं हमारा जाने का मन नहीं होता, हम प्रायोरिटी नहीं देते। कई बार कई बार हम प्रायोरिटी लगते हैं, हम कहते हैं चलो आज घूमने चले जाते हैं, कहीं मंदिर नहीं जाते या सत्संग पे चले जाते हैं। ऐसे में आपको एक सत्संग सुनाता हूँ कि आज की कोई 5 साल पुरानी बात है। एक सत्संग का मुझे इन्विटेशन आया ग्रेटर कैलाश में, दिल्ली में ग्रेटर कैलाश में। वो कोई स्पेशल सत्संग था, स्पेशल एवरी सत्संग इज स्पेशल, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट वो एक सत्संग था जो बुलाया गया था कि सर गुरुजी ने ड्रीम में उन आंटी अंकल को दिखाया था कि अंकल और आंटी मीन हस्बैंड एंड वाइफ को ब्लेस करने के लिए गुरुजी ने बुलाया है टू हैव लंगर प्रसाद एट देयर होम। मेरे को अंकल आंटी का फोन आया, मैंने बोला अच्छा ठीक है जी हम आ जाएंगे। मैंने पूरी बात सुनी नहीं और बोल दिया कि हाँ जी आप फलाने दिन सत्संग पे आ जाएंगे। पता नहीं मैं घर आया रात को 8 बजे, माई आंटी वॉज रेडी टू गो, आई सेड मेरे को नहीं जाना है सत्संग पे, मेरा मन नहीं है। नॉर्मली एट दैट टाइम आई यूज टू हैव माई डिनर, रात को 10-10:30 बजे हम खाना खाते थे। मैंने 8 बजे बोला अपनी वाइफ को कि यार खाना लगा दो, मेरे को भूख लगी है, मेरे को कहीं नहीं जाना, आई टेक रेस्ट। मेरे को एक संगत का फोन आता है, अंकल आप सत्संग में जा रहे हो? मैंने बोला अंकल मेरा आज जाने का मन नहीं, मैं थका हुआ हूं। तो उन्हें बोला अच्छा ठीक है। फिर एक मेरी सिस्टर का फोन आता है 9:30-10 बजे कि तू सत्संग में जा रहा है? मैंने कहा नहीं मैं जा रहा हूं, मैं खाना खा चुका हूं, मैं सोने जा रहा हूं। रात को 11 बजे एक अंकल का मुझे फोन आता है कि आप सत्संग में नहीं आए आज? मैंने कहा नहीं अंकल मैं आज नाइट सूट पहन के आज मैं सो चुका हूं, 10:30 ही सो गया हूं 11 बजे। रात को 12:15 बजे मुझे एक सत्संग अंकल का फोन आता है, हमारे अंकल है पता नहीं कहां आजकल, वो उनका फोन आता है 12:15 बजे मुझे, अरे अंकल आज आपको पता है गुरु जी का स्पेशल सत्संग था, आप आए नहीं, अंकल आंटी का था, आप आए क्यों नहीं आज? आई सेड ओ माई गॉड आई मिस्ड इट। रात को 1 बजे मैंने उनके अंकल को फोन किया, मैंने बोला अंकल कैन आई कम आपके घर में रात को 1 बजे मैं आ जाऊं? मुझे नहीं पता था कि जीके के अंदर बहुत सारे गेट्स होते हैं। मैं रात को 1 बजे अपने घर से निकला हूं, ठंड के दिन थे, 1:30 बजे में उनके घर, मैंने 1:30 बजे रात को नो बडी वॉज देयर, उनके घर सब वाइंड अप हो चुका था सत्संग, मैंने 1:30 बजे और मैं और मेरी आंटी ने जाके वहां लंगर किया। तो गुरुजी हमेशा ये कहते थे अगर मेरे को जरूरत पड़ती है तो मैं तुम लोगों को घर से भी बुला लेता हूँ। सो दैट वॉज द थिंग कि गुरुजी ने हमें घर से बुलाया सत्संग के लिए। जो भी है मतलब जब तक उनकी कृपा नहीं होगी हम ना मंदिर जा सकते हैं, ना हमारा मन करेगा जाने का। द ओनली थिंग इज कि हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं, जो हम कर सकते हैं शुक्राना, थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुजी। अब एक मैं आपको सत्संग सुनाता हूँ 7 जुलाई का, लास्ट टू लास्ट, अब तो मंदिर 2 साल से बंद ही है, उससे आई थिंक 2018 या 19 की बात, आई डोंट रिमेम्बर। मेरी मंदिर में साउंड की सेवा थी, मैं कहीं आगरा चला गया किसी काम से, जब मैं आगरा गया किसी काम से तो मेरी मीटिंग रात को 6 जुलाई को रात को 11 बजे खत्म हुई। तो मेरा बहुत मन था, मैं अपनी आंटी को दिल्ली फोन किया, मैंने कहा आंटी मैं कल, इतना मन था मेरा गुरुजी के जाने का बट मैं जा नहीं सकता बिकॉज अब मेरा पूरा प्रोग्राम स्पॉइल हो गया, नाउ बाय द टाइम आई गेट अप एंड कम बैक वहां मंदिर में इतनी भीड़ हो जाएगी तो अब जा ही नहीं पाएंगे। और मैं ये कह के रात को 11:30 बजे होटल, 12 बजे होटल में सो गया। मेरे को गुरुजी का ड्रीम आया 4 बजे कि मैंने देखा कि गुरुजी जो है और वहां पर अपने मंदिर के अंदर में बैठा हूं, वहां पर लाइटें नहीं जली हुई, ग्रीन कलर का गुरुजी ने चोला पहना हुआ है, मैंने देखा सामने गुरुजी बैठे हुए हैं वहां पर अपने आसन के ऊपर। मैं गुरुजी को नमस्ते किया, मैंने कहा गुरुजी मैंने आपसे बहुत प्यार करता हूँ। गुरुजी ने बोला तेनू 2 मुंडे दिए। मैंने कहा गुरुजी मैं मुंडे नहीं मांग रहा, मैं बोल रहा हूँ कि मेरी आंटी की तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो गुरुजी कहते नहीं तेनू मुंडा ब्लेस किया। मैंने कहा गुरुजी मुंडा ब्लेस नहीं, मेरी आंटी की तबीयत ठीक नहीं रहती, माई सन नेम इज उदय। गुरुजी मेरे को कहते हैं कि उदय तेनू बाहर बाहर जान वास्ते जिद करेगा, इमिग्रेशन वास्ते, माई सन हैज जस्ट पास्ड हिज 12th एग्जामिनेशन लास्ट ईयर। तो वो कह रहे हैं उदय तेरे को, गुरुजी ने कहा उदय तेरे को बाहर जान वास्ते बोलेगा, उसको जान नहीं देना। मैंने कहा गुरुजी मेरी आंटी की तबीयत ठीक नहीं है। गुरुजी कहते हैं उदय इमिग्रेशन वास्ते तेनू जिद करेगा, उन्हें जान नहीं देना। That was his way of blessing कि गुरुजी जो लोग गुरुजी से मिले हैं कि पता होगा कि गुरुजी से आप जो भी सवाल करें गुरुजी उसका
डिफरेंट काइंड ऑफ जवाब देते थे। तो मेरे को समझ में नहीं आया, गुरु जी ने कहा। फिर मैंने जब बोला आंटी, फिर चौथी बारी बोला गुरु जी आंटी की तबीयत ठीक नहीं रहती है। तो गुरु जी कहते हैं उन्हें कुछ नहीं है, बोल दी कुछ है, सोच दी कुछ है, कुछ नहीं है नहीं। फिर मैंने अपनी मेरी सिस्टर भी उस मंदिर में बैठी हुई, मतलब बड़े मंदिर में बैठी हुई, इन ड्रीम्स आई एम टॉकिंग अबाउट। और तो मेरी सिस्टर ने कोई एक क्वेश्चन मेरे से पूछा कि तूने जब तेरे गुरु जी बैठे हुए सामने, तूने गुरु जी मेरे से मेरे बारे में क्यों नहीं पूछी बात ये वाली। तो मैंने बोला मैं भूल गया, और मैं मेरा ड्रीम एकदम से खुल गया। एट अबाउट 4:40, 4:45 इन द मॉर्निंग मैंने ये अपना सारा ड्रीम अपने मोबाइल पे लिखा और रखा। मैंने 8 बजे अपनी सिस्टर को फोन किया दिल्ली, मैंने कहा सुन मेरे को ना ऐसे ऐसे गुरु जी का ड्रीम आया था। तो शी सेड कितने बजे करीब आया? मैंने कहा मेरे को आया करीब 4:30, 4:45 बजे, तो मेरे को टाइम भी लिखा हुआ है कितने बजे आया। शी सेड मैं तुझे इसके आगे का ड्रीम मैं बताती हूँ कि इसके बाद मुझे गुरु जी का ड्रीम आया और मैंने गुरु जी से क्वेश्चन पूछा और गुरु जी ने मुझे उसका आंसर दिया। आई सेड कि माई गॉड, जय गुरु जी, ये कैसे पॉसिबल है कि मेरा एक ड्रीम जहां पर खत्म हुआ वहां पर मेरी सिस्टर का ड्रीम, वहां जो क्वेश्चन आंसर रह गया था मेरे से उसके बारे में पूछना, वो गुरु जी ने उसको ड्रीम में दिखा के उसको आंसर दिया। सो मतलब गुरु जी की कृपा आप सोच भी नहीं सकते हम लोग कि कैसे इमेंस शावर। ये तो कुछ चीजें हैं जो हमें पता है। गुरु जी हमेशा कहते थे मांगो नहीं मानो, बट मैं आपको सच बताऊंगा संगत जी, मैं जरूर मांगता हूं। कोई मटेरियलिस्टिक चीज नहीं मांगता गुरुजी से कि गुरुजी हमें ये पैसा दे दो या ये दे दो, बट यस वन थिंग आई डेफिनेटली आस्क फ्रॉम गुरुजी कि गुरुजी अपना हाथ ना छोड़ना, दुनिया मेरा साथ छोड़ दे, आप मेरा हाथ नहीं छोड़ना। क्योंकि जिन रिश्तों और जिन चीजों के लिए मैं डरता हूं, चाहे मेरे वो रिलेशन है, चाहे वो मेरे पेरेंट्स हैं, चाहे मेरे बच्चे हैं, जिन चीजों के लिए मैं डरता हूं, वो अगर आपने मेरा हाथ थाम रखा है तो मेरे को किसी की जरूरत नहीं है। प्लस आई डेफिनेटली डू आस्क फॉर गुड हेल्थ फ्रॉम गुरुजी कि गुरुजी हम सबकी, मेरी फैमिली की हेल्थ आप जरूर ब्लेस करना। और गुरुजी के शरण में आके जो मैंने एक चीज जरूर सीखी है कि हमें ये जरूर लगता है कि जैसे हर हर संगत का, हर इंसान का अपना एक गुरुजी को मानने का तरीका है, अपनी जिंदगी में एक जगह देने का तरीका है। तो हमने अपनी जिंदगी में जैसे गुरुजी को अपने फादर की जगह दी हुई है, हम किससे मांगेंगे? अपने फादर से ही मांगेंगे। So, अब मांगेंगे वो क्या मांगेंगे एंड प्रायोरिटी लाइज विद हिम। बट हमें जो शॉर्ट साइटेड चीजें दिखती हैं वो हम जरूर मांगते हैं, बट नॉट मटेरियलिस्टिक चीजें। गुरुजी का एक शरण में आने का हमें एक ये लगता है कि गुरुजी एक हमें अच्छा इंसान बना दे। मुझे मेरा ये मानना है, अगेन आई विल रिपीट, कि मेरा ये मानना है, किसी को ये मैसेज नहीं है कि दिस इज नॉट अ मैसेज फॉर एनीवन, बट मेरा ये मानना है कि गुरुजी हमें देख रहे हैं, 24 घंटे हमें मॉनिटर कर रहे हैं। हमें अगर ये सोचना है कि अगर हम कोई भी कर्म करें या कोई भी चीज करें या कोई भी गलत काम करें या सही काम करें, आई डू बिलीव दैट, मैं जरूर सोचता हूं कि गुरुजी मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे इस वक्त। मेरा ये विजन रहता है कि जितने भी लोग मेरे को अपनी दिन में या पूरी लाइफ में मिले, मैं उनकी हेल्प कर सकूं इन एनी फॉर्म। गुरुजी हैज मेड मी कैपेबल फॉर एनीथिंग, बट आई ट्राई टू हेल्प everyone who comes across with me, because I feel whatever I'm helping, Guruji is very happy with me. मैं आपको ये भी बताऊंगा in the end कि मैं कोई पाठ नहीं करता, believe करना, मैं कोई पाठ नहीं करता, मैं कोई पूजा नहीं करता, मैं कोई शिव पुराण नहीं पढ़ सकता, मैं कोई अमृत वेले नहीं उठ सकता, I get up at 10 in the morning, 8 in the morning, sometime, मैं कोई, सिर्फ ये जरूर कह सकता हूँ कि मैं बहुत 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 गुरुजी से प्यार करता हूँ और उनसे इंतहा प्यार करते हैं, और हम यही सोचते रहते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। एनी एक्ट विच वी डू इज डिपेंड्स कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। अगर हम किसी को हार्म भी करने जाते हैं या कुछ भी करते हैं किसी चीज का, किसी के साथ बुरा या गलत सोचते भी है, तो मैं ये जरूर बात अपने दिमाग में लेता हूँ, इस वक्त गुरु जी क्या सोच रहे होंगे। मैं बड़ा सेवा के अगेंस्ट होता था, मैं कहता था मैं सेवा वेवा में नहीं जाऊंगा मंदिर। मेरी जो 2012-13 में इतनी तबीयत खराब हुई, तो मैं एक काम करता, मैं अंदर मंदिर के जाता था और भाग के अंदर से वापस आ जाता था, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रहती थी। वहां सूद अंकल, अगर आप जानते हैं, तो सूद अंकल, मैं एक दिन मेरे को ढूंढ नहीं पाते थे कि मैं कहां मंदिर से निकल गया। मैं लंगर सेवा में खड़ा होता था जाके, मतलब था नहीं पहले, मतलब बता रहा हूं, मैं जाता था मंदिर, भाग के आ जाता, बिना लंगर खाए, बिना सब कुछ के भाग जाता, मेरी तबीयत ही ठीक नहीं रहती थी, मैं खड़ा ही नहीं हो पाता था। तो ऐसी एक दिन हम सूद अंकल हमारे हैं मंदिर में, उनके साथ में खड़ा हुआ था, तो अंकल को मैंने ऐसे बोला, तो अंकल मेरे पास आए, अंकल कहते हैं तू मंदिर में सेवा में लग जा। मैंने, अंकल देखो ऐसा है, मैं किसी भी दिन ना भाग जाऊंगा सेवा से बिना बताए किसी के, तो आप फिर मेरे को मत बोलना। कह रहे चल तेरे को लिबर्टी है रवि अंकल, तुझे जब जहां भागना हो
तू चला जाइयो। अंकल बिलीव करना, 2013 से लेके जब तक मंदिर 2019 तक खुला हुआ था, मैंने कभी भी सेवा मिस नहीं करी, मिस करी होगी बट कभी मंदिर छोड़ के नहीं गया मैं। मेरी कभी तबीयत ऐसा हुआ ही नहीं कि मैं, चाहे तबीयत खराब हुई या नहीं हुई, हम सेवा पे खड़े रहे मुस्कुराते हुए। हम सब संगत जी को बोलते हैं कि यहाँ पर सब रोते रोते आते हैं और उसके बाद सब हवा में उड़ते हमारे जैसे। That's the only thing I can tell you. What else? और तो मेरे दिमाग में कोई चीज नहीं है। अंकल दैट्स ऑल फॉर द डे, मेरे को तो यही दिमाग में है। चलो आपको एक और बताता, और भी एक मेरे दिमाग में है। मैं एक अभी 2017 में वहां गया यूएस छुट्टियों पे, अपने अपनी फैमिली के साथ यूएस में। तो हमारा एक काम ही कि गुरु जी की जब होता है तो हम गुरु जी को बहुत शुक्राना करते, गुरु जी आप साथ चलना, गुरु जी आप साथ रहना। तो मैंने एक फ्लाइट अपनी ली फ्रॉम लंदन टू ऑरलैंडो, वो एक रात आई डोंट रिमेम्बर क्या फ्लाइट थी। मैं उस फ्लाइट में जाके बैठा, मैं जाके सो गया। मैं जो सोया मेरे को गुरु जी का ड्रीम आता है कि मैं एम्पायर स्टेट मंदिर में आया हूँ, एम्पायर स्टेट मंदिर में गया हूँ। वहां पर मैं अंदर जाता हूँ, आंटी मेरे को आई डोंट रिमेम्बर क्या चीज देती है मेरे को, हाँ गुरु जी का चोला देती है, और मैं वहां से बाहर आ जाता हूँ। सुधा आंटी अगर आप लोग जानते हैं, आंटी ने मुझे एक चोला दिया और मैं वहां से बाहर आता हूँ, ये ड्रीम में है। और उसके बाद जो है मैं जब वो बाहर निकलता हूँ मंदिर से, मैं टैक्सी में हूँ और मेरी टैक्सी का एक्सीडेंट हो जाता है। मैं अपनी आंटी को फोन करता हूँ, सब कुछ ड्रीम में है, कि आंटी मेरे ना पेट में बहुत तेज चोट लगी है, मैं मैक्स हॉस्पिटल जा रहा हूँ। ये बात हुई और मेरा वहां पर ड्रीम टूट जाता है। दैट्स ऑल। मैं यहां पर अपनी आंटी को फोन किया, सॉरी अपनी सिस्टर को फोन किया, मैंने कहा मुझे गुरु जी ने ऐसा ऐसा ड्रीम में दिखाया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है और मैं ऐसा ऐसा हुआ मेरे साथ। चल ये कहते हम सब लोग संगत ये कहती है कि जब माड़ा टाइम आता है गुरुजी टाइम जोन चेंज कर देते हैं। सो फ्रॉम इंडियन टाइम जोन आई वाज कन्वर्टेड टू अ यूएस टाइम जोन। तो वहां पर मैं, इसलिए गुरुजी ने तेरा एक्सीडेंट डाल दिया और ये चीज हो गई, बात खत्म हुई। हम 10-15 दिन वहां 20 दिन घूमते रहे यूएस में। मैं वापस आया फ्रॉम लंदन टू दिल्ली फ्लाइट में। लंदन में दिन की फ्लाइट थी, हमारी रात की फ्लाइट नहीं होती लंदन से, लंदन से दिन की फ्लाइट थी, मॉर्निंग फ्लाइट थी। मैं वहां खाया, मैं सोया, वापसी 15-20 दिन बाद, 25 दिन बाद जो भी था मैं वापस आया। रास्ते में मैं जब सो मेरी आंख लग गई हवाई जहाज में, मैं उस ड्रीम में वापस चला गया आफ्टर 20 डेज कि मैं एम्पायर स्टेट मंदिर आया हूँ और वहां मंदिर आया हूँ और वहां पर जो है ऐसा ऐसा। मैं एक अंकल को लाइन में लगाऊ, मैं अंकल को ये बात बोलता हूँ कि अंकल मैं ना अभी 15 दिन पहले यूएसए गया हुआ था और ऐसा ऐसा मुझे ड्रीम आया, मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा है। और सुधा आंटी अंदर से आती हैं और मेरे को चोला देती हैं, और मैं ड्रीम में बोल रहा हूँ अरे देखो सुधा आंटी आ गई और मेरे को चोला दे दिया गुरुजी का। मैंने बोला इट इज, और चोले के साथ एक घड़ी, आई रिमेम्बर वो घड़ी थी जो मैं आपको बताना भूल गया कि क्या दिया, और घड़ी और मुझे चोला दिया। तो ये मेरा ड्रीम वहां पर फिर टूट जाता है। तो फिर मैं अपनी सिस्टर को आके बोला कि चलो भाई ड्रीम कंप्लीट हो गया, शी सेड हां गुरुजी ने तेरे को ब्लेस कर दिया और तेरे को जो वापस जो है उस टाइम जोन में आ गया तो वापस, एंड द मैटर गॉट ओवर। कुछ दिन बाद एक एम्पायर स्टेट मंदिर में कोई फंक्शन था गुरु जी का, आई डोंट रिमेम्बर क्या था, आई थिंक महाशिवरात्रि समथिंग लाइक दैट, मेरे को बिल्कुल याद नहीं है। तो मेरे को आंटी का फोन आता है, किस आंटी का मैसेज आता है सुधा आंटी का कि आप मंदिर से होते जाना। मैं ये अब ड्रीम के बाद की बात बता रहा हूँ, जब ड्रीम खत्म हो गया उसके एक महीने बाद मैं करीब एम्पायर स्टेट मंदिर गया। मैंने आंटी को ये ड्रीम नहीं सुनाया, क्योंकि मैं सुनाता तो मेरे को दिमाग में आया कि आंटी सोचेंगे कि रवि अंकल घड़ी वड़ी की बात कर रहे हैं, इसलिए मैंने बात ही नहीं करी ऐसे, क्या मेरे बारे में कोई सोचेगा, आई डिडंट वांट टू टॉक अबाउट इट। मैं अंदर गया, मत्था टेका, तो मैंने जो बाहर निकलने लगा तो अंकल मेरे पास आए, कह रहे आप 2 मिनट आंटी घर के लिए प्रसाद लेते हुए चले जाना। मैं रुक गया 2 मिनट, मैं वहां अंदर मत्था टेका, तो गुरु जी को जो मैंने मत्था टेका, मेरे दिमाग में वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स, अच्छे लोग तो मैं अच्छा आदमी तो हूं नहीं, तो मेरे दिमाग में मैंने कहा गुरुजी, मन में ही मैंने एक बात बोली गुरुजी सब कुछ तो ठीक है, सब हो गया ड्रीम, लेकिन ना मुझे चोला मिला और ना घड़ी मिली, चलो कोई बात नहीं। ऐसे में बोल के मैं उठ गया मंदिर से, जस्ट इन माई ओन थॉट प्रोसेस। मैं आया बाहर तो आंटी अंकल ने बोला कि आप आंटी से मिलके जाना। तो आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी,
कि आंटी सेट कि गुरुजी की तरफ से तेरे को ये छोटा सा एनवेलप है, और फिर मैंने आंटी को पूरा ड्रीम समझाया और एक एक गुरुजी का चोला है। इट वॉज अनबिलीवेबल, आई वुड इन टीयर्स कि हाउ दिस इज पॉसिबल, कि पॉसिबल कैसा है ये, तो मैंने शेयर दुनिया में किसी से ही नहीं किया बात ये। देन आई पूरा सत्संग मैंने फिर आंटी को सुनाया कि आंटी ये ऐसा मुझे आज से कोई 1.5-2 महीने पहले ड्रीम आया था कि मैं यूएस में था, फिर मैं जब वापस फ्लाइट में आया तो मुझे ऐसा कोई ड्रीम आया, और ये जो वॉच है ये आपने मेरे को दी है, जो कि मैं नहीं मांगना चाहता था, कि अच्छा नहीं लगेगा कि वो सोचेंगे घड़ी मांग रहे हैं, व्हाटएवर, मेरा अपना एक दिमाग था। देन फ्रॉम दैट अमाउंट आई बॉट अ वॉच फॉर माई सेल्फ एंड दैट्स ऑल। जय गुरु जी। मेरा तो संगत से यही सबसे एक ही मैसेज है कि जस्ट लव हिम। अगर आप गुरु जी से प्यार करेंगे, आपको आपको कोई, मैं ये नहीं कह सकता कि कोई चीज नहीं आएगी जिंदगी में, बट यस, सुख और दुख तो जीवन का एक हिस्सा ही है, बट यस, जब हमारा हाथ इतने बड़े भगवान ने थामा हुआ है, सो नथिंग कैन गो रॉन्ग। जिन चीजों से हम रोज डरते हैं कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा नहीं होता, ऐसा ना हो जाए, तो वो चीज, गुरु जी कहते थे, गुरु जी हमेशा यही एक चीज थी कि हमें शक पे तो यकीन है, मतलब हमारे साथ बुरा हो जाएगा ये तो यकीन है हमें, और यकीन पे शक, मतलब यकीन मतलब गुरु जी भगवान, उन पे हमें शक है। सो दैट्स द ओनली थिंग आई वांट टू से। जय गुरु जी। संगत जी, मैं अब इनवाइट करना चाहता हूँ सिद्धार्थ चड्ढा अंकल को। सिद्धार्थ अंकल, आप प्लीज आए और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। तो गुरु जी के पास हमारी जर्नी तो वैसे पता ही नहीं कब से स्टार्ट हुई है, बट जब जहां से हमें याद है कि 2005 में गुरु जी ने सबसे पहले अपना दर्शन दिए, मतलब हम तो अपने आप को कुछ लायक भी नहीं समझते थे कि कभी भगवान के महाशिव के दर्शन भी हो सकते थे, और ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि कभी साक्षात भगवान मिल जाएंगे। लेकिन 2005 में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि एम्पायर स्टेट जाने का मौका मिला। तो जब गुरु जी को पहली बारी देखा तो ऐसा लगा ही नहीं कि ये कोई कि कोई कोई इंसान कोई हमारे सामने बैठे हैं। वो ऐसा फर्स्ट टाइम गुरु जी को देखते ही ऐसा लगा था कि, मतलब मैं कैसे वो बयान करूं, तो गुरु जी को ऐसा लगता था कि वो इस दुनिया के नहीं है, वो पता नहीं क्या पावर है कि जो हमारे सामने बैठे हैं। फर्स्ट जब शुरू शुरू में गए तब ऐसे इतने कोई सत्संग नहीं होते थे कि, अब तो जैसे गुरु जी के बारे में पता चल जाता है गुरु जी कौन है क्या है, तो पहले ऐसा कुछ नहीं होता था। धीरे धीरे जाते थे तो समझ आता था कि गुरु जी कौन है, तो गुरु जी से डर भी बहुत लगता था। अभी तो कुछ पता भी नहीं था गुरु जी के बारे में, फिर भी गुरु जी को देखते ही बहुत डर लगना, गुरु जी में से फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा आनी, हर बॉडी पार्ट में गुरु जी के फ्रेग्रेंस आनी। एक बारी मुझे याद है कोई फंक्शन था बड़े मंदिर में, तो जब फंक्शन के बाद हॉल में डांस हो रहा था, तो गुरु जी अपने गद्दी पे लेग्स फोल्ड करके बैठे थे, तो गुरु जी की जो जुत्ती थी वो नीचे थी और गुरु जी ने अपने लेग्स फोल्ड करे हुए थे। तो मैं तब 8-9 साल का होऊंगा, तो मैं फटाफट इतने रश में से निकल के आगे चला गया, और डरते डरते ना गुरु जी की जुतियों को मैंने टच कर लिया, और मैं टच करके सीधा म्यूजिक रूम से बाहर चला गया, क्योंकि बहुत डर लगता था गुरु जी से, गुरु जी कहीं डांट ना दें, कुछ कह ना दें। तो मैं बाहर चला गया, तो बाहर जाके मैं देख रहा कि ये गुरु जी की फ्रेग्रेंस कहाँ से आ रही है। तो मैं इधर उधर देख रहा कि बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आ रही है गुरु जी की कहीं से। मैंने अपने हैंड को देखा, मेरा लेफ्ट हैंड था, मैं बस टच करके गुरु जी के जुतियों को बाहर आया, और वो आधे एक घंटे तक मेरे हाथ में से गुरु जी की फ्रेग्रेंस आती रही। तो ये चीजें ना बहुत वो लगती थी कि ये कैसे हो सकता है कि कोई, पहले तो लगता था कि पता नहीं ये फ्रेग्रेंस आती कहाँ से है। वो तो धीरे धीरे समझ आया सत्संग सुने कि गुरु जी कहते थे कि ये तो सचखंड का प्रसाद है, ये तो मैं ऊपर से मंगवाता हूँ। तो ऐसे ही धीरे धीरे गुरु जी के ऊपर विश्वास बनता गया, मंदिर आना शुरू हुए, तो पता चला कि बड़ा मंदिर भी गुरु जी मंडे के मंडे खुलता है, तो सेवा के लिए जिसको भी जाना है वो जा सकता है। तो हमने भी फिर धीरे धीरे एम्पायर स्टेट भी जाते थे, तो बड़ा मंदिर भी आना शुरू कर दिया। तो जहां पर गुरु जी की समाधि है आज, वहां पे पहले गार्डन था, तो मैं, मेरी मदर और मेरी मासी उस दिन मंदिर आए हुए थे। मुश्किल से 15-20 संगत होती थी जो सिर्फ सेवा के लिए आते थे, और जो पूरा मंदिर वॉश करना, उसके बाद
सारा अंदर हॉल साफ करना, बस ये सेवा होती थी। और उसके बाद अपना 8 बजे मंदिर बंद हो जाता था। तो जब 8 बजे आज्ञा लेने का टाइम आया तो हम सारे आज्ञा लेके मंदिर से बाहर ही निकल रहे थे, तो एकदम से एक आंटी ना शिवलिंग की तरफ इशारा करके बोलती कि वो देखो शिवलिंग पे क्या हो रहा है। तो जो शिवलिंग पे जहाँ पे वो 3 लाइंस हैं उसके नीचे जो स्टार्स थे वो ऐसे लग रहा था टूट के स्टार्स वहां पर गिरे हुए हैं, और इतनी ज्यादा रोशनी हो गई शिवलिंग में, जैसे नीचे बहुत सारी हाइलोजेंस लगा दी हो किसी ने। उस टाइम पे इतनी लाइट भी नहीं होती थी पूरे एरिया में भी और मंदिर में भी, जैसे अब तो स्ट्रीट लाइट्स लग गई मंदिर के अंदर भी, तो पहले ऐसा नहीं था। तो इतने अंधेरे में वो इतनी सुंदर लग रही शिवलिंग, और शिवलिंग के अंदर ही 1 फुट लंबी ज्योत प्रोड्यूस हो गई, शिवलिंग के अंदर जल रही 1 फुट लंबी ज्योत। तो माली भैया फटाफट आए, हमारा तो फर्स्ट टाइम था ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करने का, तो हम तो बहुत ज्यादा हैरान हुए कि ये क्या हो रहा है। पहले तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर। तो फटाफट माली भैया आए, उन्होंने सबको बाहर निकाला मंदिर से कि चलो चलो मंदिर बंद करने का टाइम हो गया। तो हम जैसे ही मंदिर के बाहर हमने कदम रखा और पीछे मुड़ के देखा शिवलिंग को, तो शिवलिंग बिल्कुल नॉर्मल, ना वहां पे स्टार्स थे ना वहां पे ज्योत थी। हम दोबारा अंदर चले गए, दोबारा अंदर जैसे ही पैर रखा तो वहां पे सब कुछ दिख रहा, वो स्टार्स भी दिख रहे शिवलिंग और वो ज्योत भी दिख रही। तो माली भैया ने फटाफट सबको बाहर निकाला, हम वापिस आ गए। तो जोन सी आंटी को सबसे पहले दिखा ना, जिन्होंने हमें सबको इन्फॉर्म किया कि वो देखो शिवलिंग पे क्या हो रहा है, वो मेरे को कुछ सालों के बाद मिली उस इंसिडेंट के। तो उन्होंने बताया कि जब मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी के पास गई ना इस इंसिडेंट के बाद, जैसे मंडे को ये हुआ तो शायद थर्सडे या फ्राइडे जब भी गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट गई आंटी, तो फर्स्ट बोले मैंने अभी अंदर कदम ही रखा एम्पायर स्टेट और गुरुजी एकदम से मेरे को देख के बोलते कि तारे आदि पई रोशनी जी जिथे गुरुजी ने दर्शन देते। तो बड़ी हैरानी होती थी बात है ये सुन के कि पता नहीं ये चीजें कैसे हो रही हैं, लेकिन जब अपने साथ एक्सपीरियंस होनी शुरू हुई तो पता लगा कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, नॉर्मल संत नहीं है, ये तो महापुरुष है। महापुरुष भी क्या है, तो महाशिव है। तो गुरुजी ने अपने शिव रूप के दर्शन भी मुझे, मतलब कई बारी 3-4 बारी गुरुजी ने अपने शिव रूप के दर्शन भी मुझे कराए। और एक बारी मुझे याद है मेरी मदर को अभी रिसेंटली 2014 में हार्ट अटैक हुआ, तो मेरे ब्रदर का सगन था उसके उसी दिन मतलब रात को मेरी मदर को हार्ट अटैक हुआ, लेकिन वहाँ फंक्शन में उनको पता नहीं चल रहा था कि उनको ऐसा क्या हो रहा है। तो अगले दिन मंडे था, हम मंदिर आए, मंदिर से हम वापस जाते जाते हमने एक ECG कंडक्ट करवा ली मदर की। तो मंदिर से हम वापस आए तो हमने एक ECG करवाई, तो उसके अंदर वो ग्राफ उसका ठीक नहीं आया। तो जो लैब टेक्नीशियन था वो स्पेशली बाहर बोलने आया कि आप इनको ना इमीडिएटली किसी कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाओ। तो हमने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया, उसने बोला कि इनको तो एक हार्ट अटैक आ चुका है और दूसरा रिसेंटली अभी चल रहा है, तो आप इनको इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज कराओ। तो उनको BL कपूर में वहाँ पे हॉस्पिटल, उस टाइम पे चिकनगुनिया बहुत ज्यादा चल रहा था, तो बेड्स की बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम थी। तो BL कपूर में इमरजेंसी में सिर्फ एक बेड खाली था, हम गए तो हमें वो बेड मिल गया। तो वहाँ पे उनके सारे टेस्ट वगैरह हुए, सब कुछ हुआ, तो डॉक्टर्स ने बोला कि हम नेक्स्ट डे सुबह एंजियोग्राफी करेंगे और स्टंट डालना पड़ेगा तो हम स्टंट भी डाल देंगे। तो उस टाइम पे हमें हॉस्पिटल वालों ने बोला कि आप 50,000 रुपीज अभी डिपॉजिट करवा दो, बाकी आपका हम TPMA से देख लेंगे जो भी बिल बनेगा। अब मेरी मदर को बहुत ज्यादा टेंशन हो गई कि गुरुजी अभी तो मतलब बेटे की शादी भी है और कहा मेरे को हार्ट अटैक हो गया, अभी इसमें स्टंट डाल देंगे तो पूरी बॉडी वो हो जाएगी, खराब हो जाएगी, ना कुछ काम हो पाएगा और ऊपर से पैसे इतने लग जाएंगे, तो कैसे होगा गुरुजी। मतलब यही उनके माइंड में थॉट चल रहे हैं कि गुरुजी प्लीज स्टंट मत डालने देना, ये तो बहुत मतलब खराब हो जाएगा काम। तो अगले दिन जब इनकी एंजियोग्राफी हुई, तो जब डॉक्टर जा रहे थे एंजियोग्राफी करने, उन्होंने बोला कंसेंट लेने के लिए कि अगर हमें लगा तो हम स्टंट्स भी डाल देंगे साथ में। तो हमने बोला ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। तो वो जब एंजियोग्राफी करके बाहर आया डॉक्टर, वो बोलता कि मैंने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रॉन्ग हार्ट आज तक किसी का नहीं देखा, और वो बोलता
कि हमने जैसे ही एंजियोग्राफी के लिए वायर डाली अंदर, वो जितनी ब्लॉकिंग थी वो अपने आप ही खुल गई और हमें स्टंट डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये बात सुन के भी एक तो बहुत ज्यादा खुशी हुई और हैरानी भी बहुत हुई कि मतलब बीएल कपूर जैसा हॉस्पिटल जिसने एंजियोग्राफी के लिए अंदर वो डाली वायर और स्टंट नहीं डाले, क्योंकि नॉर्मल सुनने में आता है कि ये तो वायर डालते हैं तो स्टंट तो साथ में ही डाल देते हैं, तो बड़ी हैरानी की बात हुई। तो जब मदर को शिफ्ट किया नॉर्मल रूम में, तो उन्होंने मेरे ब्रदर को बोला कि जरा एक बार ना टीपीए पर ना देख कर आ कि अभी तक कितना बिल बन गया है। तो वो पता करके आए सारा, उन्होंने बोला कि अभी तो 25,000 रुपये बना है बिल, 16,000 रुपये उसका टेस्ट का वो था बिल था एंजियोग्राफी का और बाकी सारा मिसलेनियस जो वो है। तो मेरी मदर ने बोला चलो ठीक है फिर तो 50,000 के अंदर अंदर ही हो जाएगा सब कुछ, तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी हमने टीपीए के लिए अप्लाई कर दिया था जो इंश्योरेंस के लिए था। नेक्स्ट डे मेरी मदर को छुट्टी होनी थी, जब छुट्टी हुई तो वो टीपीए में ना बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे थे, मतलब 1-1.5 घंटा हो गया डिस्चार्ज हुआ लेकिन वो डिस्चार्ज स्लिप नहीं दे रहे थे। तो मैं और मेरे फादर गए वहां पर, बड़ी देर खड़े रहे, बड़ी देर खड़े होने के बाद उन्होंने हमें बिल दिया। तो हमने देखा, उन्होंने हमने पूछा कितना बिल है, वो कहते 13,000 रुपए। तो हमने बोला 13,000 रुपए, तो माइंड में तो था कि 25,000 तो कल तक था। तो उन्होंने बोला पता नहीं 13,000 रुपए है जिसमें से 11,000 रुपए आपका इंश्योरेंस से आ गया है और 2,000 रुपए सिर्फ आपको बाय हैंड देने हैं। हमने सिर्फ 2,000 रुपए बाय हैंड दिए और 50,000 की पूरी गड्डी उन्होंने हमारे हाथ में वापस रख दी। आप ये देखो, ये बीएल कपूर जैसा हॉस्पिटल जिसके अंदर 4 दिन रह भी लिए, एंजियोग्राफी भी हो गई, सारे टेस्ट हार्ट के हो गए, रूम का एक्सपेंस मिला के सब कुछ, सिर्फ हमें हाथ से 2,000 रुपए दिए और हम घर वापस आ गए। और वो दिन और आज का दिन है, उसके बाद कोई ना कोई मेडिसिन लेती है मदर, सिर्फ एक बीपी की मेडिसिन को छोड़ के। तो ये सारी चीजें हैं सिर्फ विश्वास की, कि गुरुजी कहते थे मेरे ऊपर विश्वास रखो, विश्वास रखोगे तो वो तो पता ही नहीं क्या क्या कुछ कर देंगे। ऐसी मेरी सिस्टर को 6 साल हो गए थे शादी के, तो उनको कंसीव नहीं हो रहा था, तो वो बहुत ज्यादा परेशान थी कि पता नहीं गुरुजी कंसीव ही नहीं हो पा रहा, 6 साल हो गए शादी को। तो मेरे को ड्रीम आया गुरुजी का, राखी वाला दिन था 2 साल पहले, राखी वाला दिन था। मेरे को ड्रीम आया गुरुजी का कि हम ना बड़े मंदिर में खड़े हैं, गुरुजी ने वाइट कलर का चोला पहना और अपने चेयर पे बैठे हैं और हाथ से पंजीरी का प्रसाद दे रहे हैं। तो मेरी सिर्फ सिस्टर को दिया पंजीरी का प्रसाद और उसको बोलते कि टेंशन ना ले, मुंडा भी दूंगा कुड़ी भी दूंगा, टेंशन ना ले। तो बस प्रसाद लेके मैं, मेरी मदर, मेरी सिस्टर और मेरे जीजू, हम सारे बाहर आ गए म्यूजिक रूम की तरफ से। तो इतना ड्रीम हुआ, उसके 1 हफ्ते के बाद मेरी सिस्टर ने कंसीव कर लिया। कंसीव करने के बाद जब जो सारे टेस्ट होते हैं वो टेस्ट हुए, तो टेस्ट में पता चला कि अल्ट्रासाउंड जो हुआ उसके अंदर पता चला कि ट्विंस है। और जब 1 साल के बाद जो डिलीवरी हुई तो उसमें पता चला कि एक लड़का है और एक लड़की है, और आज वो अब 2 साल के हो जाएंगे, अभी ये 26 अगस्त वो 2 साल के हो जाएंगे। तो आप ये देखो गुरुजी ने कैसे उसको भी ब्लेस कर दिया, जो इम्पॉसिबल जो थी चीज, मतलब उसने सारे टेस्ट करवा लिए थे, इतने महंगे महंगे इलाज करा लिए थे, किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ा था, ठीक है, गुरुजी ने ब्लेस किया। तो वो तो पत्थर की लकीर है कि गुरुजी कहते थे कि मैं कच्चा काम नहीं करता, पक्का काम करता हूँ हमेशा। तो ऐसे ही एक बारी मेरे को ना नर्व्स की ना प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब 2013-14 की बात है, मेरे को ना नर्व्स की प्रॉब्लम हो गई थी, हैंड मेरे हाथों और पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होती थी। तो एक थे हमारे नॉन में न्यूरोलॉजिस्ट थे, उनको कंसल्ट किया तो उन्होंने एक टेस्ट वगैरह लिखे कि पहले आप एक टेस्ट कंडक्ट कराओ और उसके बाद फिर हम देखेंगे। तो उन्होंने एक पता नहीं कौन सा टेस्ट लिखा, वो एक टेस्ट था, 1 घंटे का टेस्ट था जिसके अंदर पूरी बॉडी में ना वो करंट दे के एक एक नर्व को चेक करते थे और वो बहुत पेनफुल टेस्ट था। तो वो 1 घंटा वो उन्होंने पूरी बॉडी में करंट दिया और सारा चेक किया, उसके बाद उन्होंने जो मेडिसिन थी वो स्टार्ट कर दी।
उन्होंने हमें नहीं बताया कि ये ना क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन जो वो डॉक्टर था ना, आप देखो गुरुजी कैसे आपके सामने पूरी पिक्चर रख देते हैं। बस ये है कि समझने की बात है कि आप कैसे गुरुजी की महिमा को समझ जाते हो। जब हम जो उनसे न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते थे, उनकी वाइफ को भी बिल्कुल सेम ये प्रॉब्लम थी, और वो उनको पैरालिसिस के अटैक्स पड़ते रहते थे थोड़े थोड़े इंटरवल्स के बाद। वो खुद न्यूरोलॉजिस्ट थे, वो समझ ही नहीं पाए कि उनकी वाइफ को क्या प्रॉब्लम होती थी, और जिस मतलब इसका इस प्रॉब्लम का कोई टाइम पीरियड होता, अगर इतने टाइम में पता चल जाए तो ठीक है, नहीं तो बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है क्योर करना। तो मेरे को तो नेचुरली दर्द होनी शुरू हो गई, तो मैं डॉक्टर के पास चला गया। उनकी वाइफ को कोई दर्द नहीं हुई, उनको सीधा एक पैरालिसिस के अटैक पड़ने शुरू हो गए। तो उनको जब हम उनके घर जाते थे तो उनकी भी हालत देखते थे, बहुत मतलब मुश्किल से वो पकड़ पकड़ के चलती थी, उनके हाथ पैर में शिवरिंग होती थी, और ये सारी प्रॉब्लम्स होती थी। और जब वो मेरे को देखते थे तो वो जब पूरा मेरा जब इलाज हो गया खत्म, 1-1.5 साल इसकी मेडिसिन चली थी, उसके बाद उन्होंने मतलब मेरे फादर को बोला था कि ये जितनी जल्दी ये रिकवर कर गया ना इस प्रॉब्लम से, इतनी जल्दी कोई करता नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ये बहुत जल्दी रिकवर कर गया। तो जब उन्होंने ये बात बोली, लेकिन हमें तो मेरे को तो पता है ना कि ये कैसे गुरुजी ने हमें बचा लिया, क्योंकि अगर वो प्रॉब्लम इतने छोटे से एज में हो जाती तो कितना मुश्किल था। तो वो भी गुरुजी ने क्योर किया, और तो पता ही नहीं कितनी प्रॉब्लम्स आई भी होंगी और पता भी नहीं चला होगा कि गुरुजी ने क्योर कर दी। ऐसे ही एक बारी मेरे ब्रदर को फीवर हुआ, तो 7 जुलाई का डे था, शायद 2008 या 2009 की बात है, 7 जुलाई का डे था। तो फीवर हुआ, 3-4 दिन से रेगुलर फीवर था। तो मेरी मदर ने उन्हें बोला कि ना मंदिर चलते हैं, आज गुरुजी का जन्मदिन है तो मंदिर मत्था टेक के आते हैं। मेरे फादर ने मना किया कि नहीं आज मत जाओ, क्यों इतना ज्यादा फीवर है। तो भाई ने बोला नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैंने दवाई खा लिया तो अब मैं ठीक हूँ। तो मेरी मदर कार ड्राइव करके मंदिर ले गई, उस टाइम पे इतना पार्किंग की प्रॉब्लम नहीं थी, तो वो कार ड्राइव करके ले गई अंदर मंदिर में। तो जैसे ही ब्रदर ने अंदर कदम रखा मंदिर में, उनको एकदम से प्रॉब्लम शुरू होनी, मतलब कोई कुछ प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। तो उन्होंने जल प्रसाद पिया था और ज्यादा तबीयत खराब हो, उसके बाद शायद वहां पे थी वो कुल्फी थी, और वो थी लंगर में कुल्फी थी, वो खाई तो उससे और ज्यादा प्रॉब्लम हुई। तो उन्होंने फटाफट मेरी मदर ने हम सबको वही मंदिर ही छोड़ा, और ब्रदर को अकेले कार में बिठा के वापस घर पे ले आई। तो वो पूरे रास्ते ना वॉमिटिंग करते हुए आए ब्रदर, पता नहीं उनको एकदम से क्या हो गया, समझ नहीं आई। तो उन्होंने फादर को फोन किया, उन्होंने डॉक्टर से दवाई लेके फटाफट रखी घर पे, रात को 1-2 बजे वापस आए। तो मम्मी ने बोला भाई को कि आज आप मेरे रूम में सो जाओ, तो वो वहीं पर सो गए। रात को 2-3 बजे मेरे ब्रदर एकदम से उठे, उनको जैसे खांसी हुई, अनइजीनेस सा कुछ हुआ, वो उठे सामने देखा तो गुरुजी खड़े हुए, पूरी मतलब गुरुजी की शेडो सामने, बिल्कुल गुरुजी की शेडो खड़ी, मतलब गुरुजी खड़े हुए। तो वो एकदम से मतलब घबरा गए कि गुरुजी कहाँ से आ गए, और एकदम से जय गुरुजी उनके अंदर से निकलना शुरू हो गया, और ऐसा लग रहा उनको कि जैसे गुरुजी कुछ ना अंदर से कुछ पुल कर रहे हैं, कुछ उनके अंदर से कोई चीज निकल रही है। तो उन्होंने मम्मी को भी आवाज दे रहे हैं कि मम्मा उठो देखो सामने गुरुजी खड़े हैं, लेकिन मदर तो ऐसे कि जैसे उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो थोड़ी देर के बाद, 5 मिनट के बाद, जितनी देर के भी बाद गुरुजी गए, चले गए, तो मेरे ब्रदर उठे और पूरे पसीने में भीगे हुए, एसी चल रहा था और उनको एकदम से पूरे पसीनों पसीन हो गए। तो एकदम से उठे और मेरी मदर को बताया कि मम्मा मेरे को ना बहुत ज्यादा वो हो रहा है, पसीने आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, दवाई खाई हुई है ना, अभी ठीक हो जाएगा। फिर उन्होंने बोला मम्मा गुरुजी आए थे, वो फिर एकदम से उठ के बैठ गए कि गुरुजी आए थे। तो वो दिन और आज का दिन वो पता ही नहीं चला कि क्या प्रॉब्लम थी, क्या गुरुजी निकाल के ले गए। तो ऐसे इतने बहुत सत्संग हैं गुरुजी के, आप और कभी मौका मिलेगा तो मैं जरूर शेयर करूंगा, अब तो टाइम हो गया है शायद। तो जय गुरुजी।